श्रीमान एमपी सिंह जी तोमर इटावा से हैं। श्रीमान देवेंद्र सिंह जी के साथ आ जाए तो सम्मान दीजिए, पूरी करा देंगे। डॉक्टर हिमांशु जी उनका भी सम्मान मंच पर आ जाएंगे सम्मान के लिए। ऐसे एक शीघ्रता से आ जाएंगे तो अपने सम्मान को प्राप्त करेंगे। अन्य भी महानुभाव यहाँ राष्ट्रीय संसद संघ के क्षेत्र प्रचारक जी सहित क्षेत्र की बहुत सारी टीम आई है, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आचार्य प्रदीप कौशिक जी, श्रीमान अजय जी बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, स्वामी विश्वेशानंद जी महाराज जी, सबका बहुत बहुत सम्मान है जिले प्रेम सेवा मिशन की ओर से। डॉक्टर कपिल त्यागी जी, श्रीमान संजय सोमानी जी, मनोज अग्रवाल जी, श्रीमान एम पी सिंह जी, श्री संदीप अग्रवाल जी, इन सबका सम्मान और विशिष्ट जन भी जो पधारे हुए हैं बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान है दिव्य प्रेम सेवा मिशन की ओर से। ये जो नर्सिंग कॉलेज आप देख रहे हैं इसके इस स्वरूप को लाने में सबका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनके सम्मान की भी पूर्ण हो रही है। भैया हिमांशु जो हमारे सबसे एमबीबीएस करके आया है वो भी इसी साल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया है, और जिनके कॉलेज से आया है आरपीएल सिंह भी वहाँ उपस्थित हैं, और ये छात्र अपने मिशन का ही छात्र जो बहुत बहुत आभार, अपना स्थान ग्रहण करें ऐसा निवेदन है। ओ शिक्षक, जब तू दौड़ता है तब तेरा छात्र चलता है। सभी मार्गदर्शकों के लिए उसने एक व्यक्ति ने लिखा है, ओ मैन करके है। कुणाल सहगल जी जिन्होंने जमीन दी हुई है, जमीन यहाँ की जो उपलब्ध हुई है उनका भी सम्मान कुणाल सहगल जी। जब तू दौड़ता है तब तेरा छात्र चलता है, और जब तू चलता है तब तेरा छात्र बैठ जाता है, और जब तू बैठ जाता है तो वो लेट जाता है, और जब तू लेट जाता है तो वो सो जाता है और मर जाता है। इसलिए तू दौड़ता रहे, दौड़ता रहे, दौड़ता रहे। हमारे सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, श्रेष्ठ काम करने वालों के लिए प्रेरणा का स्वरूप है, मिशन के लिए प्रेरणा है। और अब मैं अपने सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी, अपने सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और सबको दिशा निर्देश दें। आदरणीय डॉक्टर निशंक जी बोलो, भारत माता की, मूर्तिया गंगा के तट पर है, भारत माता की, इधर भारत माता की। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि माँ गंगा के तट पर और देवभूमि उत्तराखंड में इस हिमालय की गोद में हम मंच पर आसीन अपने समस्त ऐसे प्रेरणा के पुंज आज एकत्रित हुए हैं, जिनसे न केवल ये देश बल्कि पूरी दुनिया भिन्न माध्यमों से प्रेरणा लेती है। और इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में जो भैया आशीष की साधना
आपका एक अंकुर और प्रस्फुटित हुआ है। आप इस बड़े कार्यक्रम में, दिव्य कार्यक्रम में आज जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने अपने जीवन का कीर्ति इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, ऐसे हमारे प्रेरणा के स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह श्रद्धेय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और हमारे आज सबके भारत और भारत की पूरी दुनिया के जिन्होंने योग की दिशा में इस मानव की रक्षा की दिशा में पूरी दुनिया का मन आज जीता है, लोगों के दिलों पर राज करते हैं और भारत के धरती से योग गुरु पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाते हैं पूजा आज स्वामी रामदेव जी महाराज आचार्य बालकृष्ण जी जो आयुर्वेद के जो हमारे पूज्य हैं और पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि आयुर्वेद के 30,000 से भी अधिक जड़ी बूटी का शोध यदि इस पूरी दुनिया में किसी ने किया है तो आचार्य बालकृष्ण ने किया। हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका बहुत स्वागत कर रहे हैं आज इस मंच पर। इस प्रदेश देवभूमि प्रदेश के बहुत ही यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार ये प्रदेश प्रगति कर रहा है। जैसे कि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं को